इंडियनो क्षेत्र की सबसे बड़ी मंडियों में धामनोथ कृषि उपज मंडी सबसे अग्रणी मानी जाती है, जहां किसान अपनी हर प्रकार की उपज को बेचने आते हैं। इस समय मक्का की भरपूर आवक हो रही है, जिस पर कल 1900 रुपए में जिस किसान का माल बिका था, आज उसी का 1600 में माल बिकने से किसान आक्रोशित हो गए। वहीं गर्मा गर्मी माहौल में व्यापारियों ने भी नीलामी कार्य बंद कर दिया, जिसको लेकर किसानों के द्वारा मंडी का मुख्य गेट बंद कर दिया गया। महेश्वर काली बाबड़ी मार्ग पर भी ट्रैक्टर अड़ाकर मार्ग अवरुद्ध कर जोरदार हंगामा किया गया। जानकारी लगते ही धामनोथ पुलिस मौके पर पहुंची और मंडी गेट खुलवाकर आवागमन सुचारू कराया गया। वहीं मंडी ऑफिस में भारतीय किसान संघ के तहसील अध्यक्ष दिनेश पटेल, मंडी सेक्रेटरी MS चौहान और व्यापारियों, किसान नेता और किसानों के बीच में आपसी सामंजस्य हुआ और नीलामी कार्य पुनः प्रारंभ हुआ, जिसमें उसी किसान का पुनः नीलामी में 1656 रुपये में बिका। आखिर ये 56 रुपये का अंतर क्यों आया, जिसको लेकर भी किसान नाराज होते नजर आए। मैं किसान हूँ, हमारी मक्का यहाँ हुई है, एक किसान मित्र मेरा है।